हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, सबसे पहले बताएं कि जो कमोडिटी क्रैक आया है ये ओवर द वीकेंड क्रूड से शुरू हुआ, बाकी इंडस्ट्रियल कमोडिटी पहले ही क्रैक करना शुरू गई थी, 10-15 दिन से क्रैक कर रही है, एग्री कमोडिटी क्रैक कर रही है, इससे आप खुश हैं क्योंकि इंडिया को फायदा होता है, कॉर्पोरेट इंडिया को थोड़ी रिलीफ मिलती है, या आप इससे सतर्क हैं कि भाई ये ग्लोबल मंदी का एक तरह से इंडिकेटर है? नहीं, डेफिनेटली ग्लोबल मंदी का इंडिकेटर है। आई मीन, इफ यू आर लुकिंग एट रिलीफ दिस थिंग, वो तो आई थिंक विल बी वेरी टेम्पररी वन, क्योंकि अकॉर्डिंगली ही फिनिश प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी रिवाइज हो जाएंगी। वो तो कोई बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिलने वाला। आई थिंक इट्स डेफिनेटली काइंड ऑफ एन इंडिकेशन कि ग्लोबली थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। ग्लोबल रिसेशन की जो बात हो रही है इज अ रियलिटी विच वी आर स्टेयरिंग एट। तो वो एक तरह से मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर काफी प्रश्न चिन्ह लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर अर्निंग्स पे भी इफेक्ट करेंगे, और अर्निंग्स पे इफेक्ट करेंगे तो फिर आपका मार्केट पे इम्पैक्ट रहेगा उसका। और मार्केट का हम कह सकते हैं कि थोड़ा अभी इसमें जो सेलिंग प्रेशर है वो अगर ईज भी हो जाए तो आई थिंक दोबारा से बुल मार्केट अभी आई थिंक कुछ समय तक तो कहीं कहीं से दिख नहीं रहा। क्या वैल्यूएशन बाजार के अट्रैक्टिव जोन में आना शुरू हो गए, या कई चुनिंदा स्टॉक जो आपकी लिस्ट है वो अट्रैक्टिव जोन में आना शुरू हुई है, या अभी भी 10-15-20% दूर है वहां से? नहीं, अट्रैक्टिव है डेफिनेटली। वैल्यूएशंस हैव कम डाउन एंड डिपेंड्स ऑन कि क्या कैसे आप देख रहे हो। अगर आपका नजरिया लंबा है तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव आपको, और मार्केट्स हमेशा सरप्राइज भी कर सकती हैं ऑन द अपसाइड। सो जनरली एक्सपेक्टेड ये है कि द मार्केट यहाँ से हम कह सकते हैं कि समय लगेगा, चाहे डाउनसाइड बहुत ज्यादा ना हो यहाँ से, बट समय लगेगा। बट आपको अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली इस वक्त आपको बाइंग करनी चाहिए। बाइंग के लिए डोमेस्टिक ओरिएंटेड जो स्टोरीज हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कंपनीज या जो सेक्टर्स हैं जिनका इनकी आय और मुनाफा ज्यादातर डोमेस्टिक मार्केट से आता है, उनके मैं समझूंगा कि उन उस वाली लिस्ट में से आपको चुनिंदा शेयर निकालने चाहिए। ज्यादातर मैं समझूंगा कि फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट, ऑटो आपके शेयर काफी अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा शुगर, जो कि एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इंडिया स्टोरी है, जिस तरह से इथेनॉल की हम प्रोडक्शन और यूजेज प्रति देख रहे हैं, वो एक अच्छा सेक्टर जिसको आप इस फॉल में खरीद सकते हैं। तो ज्यादातर आपका फोकस होना चाहिए डोमेस्टिक ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज पर, और मेरे मुताबिक उन पे आप जरूर बाइंग कर सकते हैं। इनके जो दिग्गज काउंटर्स हैं इन इंडस्ट्रीज में, जैसे टाटा मोटर्स है, मारुति है, M&M, ऑटो एंजिनरीज में जो अच्छे चुनिंदा काउंटर्स हैं उनको उनको में आप कर सकते हैं बाइंग। और इनमें मेरे मेरे मुताबिक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और इसके अलावा रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी अच्छा लग रहा है, जिस तरह से फॉल आया है। DLF काफी अच्छा लग रहा है। और आपका शुगर, जहां तक इथेनॉल स्टोरी का सवाल है, प्राज इंडस्ट्रीज एक बहुत अच्छी स्टोरी है। मेरे मुताबिक इस फॉल में आपको जरूर उसमें बाइंग करनी चाहिए। इसके अलावा बलरामपुर चीनी, और मैं समझूंगा कि आपके अगर आप कैपिटल गुड्स की तरफ भी देखें, ध्यान दें तो L&T इन लार्ज कैप में और डिक्सन टेक्नोलॉजीज काफी अच्छा फॉल आ चुका है स्टॉक में। ऐसे आप चुनिंदा स्टॉक्स में आप जरूर नजर रख सकते हैं और इस मंदी का फायदा उठा सकते हैं, पर तभी नहीं अगर आपके पास डेफिनेटली कम से कम, मैं समझूंगा कम से कम 2 साल का नजरिया होना चाहिए अगर आपने खरीदारी करनी है, क्योंकि मंदी का दौर है। अब किसी को पता नहीं दुनिया में कि कैसे सॉल्व होगा, कब होगा। 2 to 3 years का अगर आपका व्यू है, फंड्स अवेलेबल हैं, तो जरूर इस मंदी का फायदा उठाएं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही डिफिकल्ट है कहना, और शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल भी रह सकता है, थोड़ा और फॉल भी आ सकता है। ओवरसोल्ड जो एक दिस थिंग है वो मैं ज्यादा मानता नहीं, क्योंकि ओवरसोल्ड काफी देर तक रह सकता है मार्केट, और अगर सेलिंग प्रेशर कम नहीं हुआ FIIs का तो यहाँ से और भी नीचे आ सकता है। तो बाइंग तभी करें अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अन्यथा आप इसको अभी अवॉइड कर सकते हैं।
राइट बिल्कुल आशीष, गुड आफ्टरनून. तो आपके राइट एब्सोल्युटली बहुत एब्सोल्यूट पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास फंड्स हैं, आप इतना पेशेंस रख सकते हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने. पर लेकिन यहाँ पर अब जो मार्केट को नेविगेट करना होगा, तो जाहिर तौर पर ओवरसोल्ड जोन कब उन बड़े हेडविंड से बाहर निकल कर आएंगे, ये तो एक ही कंसर्न है. क्या आपको लगता है कंसोलिडेशन फेज में जो बचे हुए हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी थीम्स की बात तो लगातार अपने चैनल पर बता रहे हैं, लेकिन अब स्मॉलर थीम्स को अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो बहुत स्पेसिफिक थीम डायग्नोस्टिक स्पेस की मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस स्पेस को आप कैसे देखते हैं. प्राइस, क्योंकि इस पे एक्सपर्ट मानते हैं कि प्राइस रैशनलाइजेशन का, कंसोलिडेशन का, और क्योंकि यहाँ ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी ये बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एग्रीगेशन होने शुरू हो जाएगी, ये कुछ की फैक्टर्स हैं जिसके चलते शायद ये सेक्टर 15% के मार्केट शेयर से 25% तक की रेवेन्यूज जनरेट कर पाएगा. ये आपको लगता है ये वैलिड पॉइंट है? ये थीम्स क्या हमें अभी आइडेंटिफाई करने चाहिए या यू शुड वेट फॉर मार्केट हेडविंड्स टू सेटल? आई थिंक वेट फॉर मार्केट हेडविंड्स टू सेटल. आपको अभी जो बाइंग करनी है आपको टाइम टेस्टेड शेयर्स में करनी है, फ्रंट लाइन में करनी है, या फिर वो इन उन जगह पे करनी है जहां पर कि डोमेस्टिक, जैसे बताया कि चोरी बिल्कुल डोमेस्टिक है, कौन एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है. जैसे आप अगर बैंक्स की बात करें तो जो फ्रंटलाइन बैंक्स हैं उनमें आप थोड़ी चुनना जिंदा बैंक कर सकते हैं, या रियल एस्टेट के जो दिग्गज काउंटर्स हैं, या सीमेंट है, या ऐसी कमोडिटी है जो सिर्फ डोमेस्टिक ही प्ले है जिसमें कि इंटरनेशनली प्राइसेस का ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो वो उसमें कर सकते हैं. ऑटो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑटो की डिमांड अभी भी रोबस्ट है और ऑटो में जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड ऑटो प्लेयर्स हैं उनमें डेफिनेटली आपका अच्छा डिमांड है और अच्छा रिजल्ट्स आगे चल के आएंगे और उनमें आप फोकस कर सकते हैं. उसी तरह से ऑटो एक्सेसरीज जो ज्यादातर मारुति को कैटर कर रही है या और डोमेस्टिक प्लेयर्स को कैटर कर रही है उनमें भी आप बाइंग कर सकते हैं, पर ज्यादातर आपका फोकस एस्टैब्लिश्ड काउंटर्स पे इस टाइम होना चाहिए. जो थीमेटिक थिंग्स हैं, जो कि बहुत फ्यूचरिस्टिक थिंग्स थी, उनकी वैल्यूएशंस मेरे मुताबिक अभी और भी करेक्ट कर सकती हैं. और मेरे मुताबिक कोई भी ऐसी चीज जहां पर वैल्यूएशन रिच हो या एक तरह से बहुत फ्यूचरिस्टिक स्टोरी हो, वो बुल मार्केट में वैसी चीजें चलती हैं. यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक फोकस करना है जहां पर आपको अर्निंग्स विजिबिलिटी दिख रही हो और जहां पर वैल्यूएशन कम्फर्ट दिख रहा हो. उसके अलावा कोई भी चीज जिसमें लॉफ्टी वैल्यूएशन हो वो अभी भी और भी करेक्ट कर सकती है. तो आपको सिर्फ डाउन से ही नहीं देखना कि आप ऊपर से कितना टूटा है, आपको ये देखना है कि अभी भी वैल्यूएशन अगर 30-40 की पीई पे है तो अभी भी वो उस पर बहुत खतरा है. क्योंकि मेरे मुताबिक बेयर मार्केट जब खत्म होती है, जब ज्यादा तकरीबन सारा क्रॉस द बोर्ड जो भी वैल्यूएशन फ्रॉथ है वो सब निकल जाता है. तो मेरे मुताबिक अभी भी आपको उन शेयर्स में फोकस करना है जहां पर वैल्यूएशन कम्फर्ट हो. वैल्यूएशन कम्फर्ट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और दूसरा अर्निंग्स विजिबिलिटी हो, अर्निंग्स ज्यादातर डोमेस्टिक मार्केट से हो और एस्टैब्लिश कंपनीज हो जहां पे कि अर्निंग्स आपको यकीन हो कि भी आगे चलकर ऐसा कोई खतरा नहीं है, अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी. और मेरे मुताबिक क्योंकि हमारा एडवांटेज है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी अभी भी इतनी कोई खराब नहीं हुई, रिलेटिवली काफी अच्छा कर रही है, तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की स्टोरीज हैं वो अभी भी अच्छा करेंगी और मेरे मुताबिक वहां पर आपको कॉन्सेंट्रेट करें. और इसमें अगर कुछ पेशेंस रखें तो जो FMCG के काउंटर्स हैं वो भी अभी थोड़े वैल्यूएशन वाइज हाई हैं, इसलिए मैंने अपनी लिस्ट में डाला. पर अगर किसी टाइम पे अगर आपको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और ऐसी चीजें अभी सस्ती मिल जाएं तो उसमें भी आप जरूरी खरीदारी कर सकते हैं. बट अभी मेरे को जो सेक्टर अच्छा लग रहा है वो है ऑटो, जो कि इसमें वैल्यूएशन कम्फर्ट है का कम्फर्ट है और अर्निंग विजिबिलिटी है. और दूसरा रियल इस्टेट, मैं समझ रहा हूँ कि टर्न अराउंड हो रहा है सेक्टर, ग्राउंड रियलिटी ये है. और क्योंकि सेक्टर पहले भी नहीं इतना चला तो इसमें कोई वैल्यूएशन इतनी ज्यादा हाई नहीं है, तो ये तो डेफिनेटली है. और शुगर की जो स्टोरी, इथेनॉल की स्टोरी वो डेफिनेटली चल रही है क्योंकि जिस तरह से सरकार स्कीम्स में आपको एडवांटेजेस दे रही है इथेनॉल के प्रोडक्शन फैसिलिटी करने के लिए, तो प्राज इंडस्ट्रीज एक बहुत ही अच्छा बाय है और साथ में जो दिग्गज शुगर काउंटर्स है उनमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं. आशीष, गुड आफ्टरनून. अब FIIs की सेलिंग इंटेंसिटी पर आपका नज़रिया हम जानना चाहते हैं, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स की अगर बात करें, FIIs ने सबसे बड़ी सेलिंग जो है वो इंडियन मार्केट्स में ही की है. इनफैक्ट FIIs की सेलिंग के पिछले 8 महीने के डेटा को समझें तो इंडिया GDP का 1% सेलिंग यहाँ पर होता हुआ दिख चुका है. सेलिंग इंटेंसिटी जो कि लगातार बढ़ती हुई दिख रही, इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए मेरे मुताबिक एक तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव भी है, क्योंकि आप जब बहुत ही मंदी हो और आपको कैश क्रंच हो रहा हो, तो आप जहां पर आपको प्रॉफिट हो या जहां से आप निकल पा रहे हैं, आप वहीं से निकलेंगे। तो एक तरह से एक पॉजिटिव भी है कि यहां से FIIs बिना कोई बहुत ज्यादा प्राइस डैमेज किए निकल पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करें तो इंडियन मार्केट्स हैव आउटपरफॉर्म ज्यादातर बाकी ग्लोबल मार्केट्स कंपैरिजन में हम कम टूटे हैं। तो एक तरह से FIIs को एग्जिट मिल रहा है, वो बहुत ज्यादा प्राइस डैमेज से नहीं मिल रहा, तो वो अच्छा मुनाफा कमा के जा रहे हैं। तो आपको ये भी नजर रखनी है कि जब भी रिस्क ऑन ट्रेड वापस आएगा, और वो जरूर वापस आएगा, वो 6 महीने बाद वापस आए, साल बाद वापस आए, 2 साल बाद आए, ये कोई कह नहीं सकता, बट जब भी रिस्क ऑन ट्रेड वापस आएगा तो आपको ये यकीन मानिए कि इंडिया विल बी वन ऑफ द फेवरेट मार्केट्स FIIs की, क्योंकि यहाँ से उनका जो टेस्ट इन द माउथ है वो अच्छा है कि वो उन्होंने कमाया और एक अच्छे रेट पे निकल भी पाए। तो एक डेफिनेटली एक बड़ा फेवरेबल फैक्टर है जिससे कि वापस जो पैसा है वो बहुत अच्छे से पुल होगा मार्केट में। पर जैसे मैं कह रहा हूँ, उसको टाइमिंग करना मुश्किल है। तो अभी तो यही रियलिटी है कि FIIs सेलिंग है और मेरे मुताबिक सेलिंग चलेगी, और अब कहाँ कब जाके रिवर्स हो सकता है कि 2-3 महीने में ही रिवर्स हो जाए, हो सकता है 2 साल में तक रिवर्स ना हो, तो टाइमिंग कहना मुश्किल है। बट ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कि FIIs की इतनी सेलिंग अब्जॉर्ब होगी मार्केट में, एक तरह से स्ट्रेंथ दिखा रही है डोमेस्टिक इकोनॉमी की और डोमेस्टिक बाइंग पावर जो हमारी है, कि इतनी FIIs सेलिंग हम अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं विदाउट सो मच ऑफ डैमेज। अभी तक जो डैमेज इंडियन मार्केट्स में हुआ है बहुत कम हुआ है। अगर आप बाकी इमर्जिंग मार्केट्स देखें, कोरिया देखें, US की मार्केट्स भी देख लें और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स देखें, तो वहां पे फॉल फ्रॉम द पीक इज मच मोर देन जो इंडिया का हुआ है। तो इसलिए एक तरह से एक पॉजिटिव है कि अच्छे लेवल पे एग्जिट भी मिल रहा है बड़े इन्वेस्टर्स को, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव रहेगा। जब भी रिस्क ऑन ट्रेड आएगा तो हमारा एक बहुत अच्छा एलोकेशन इंडिया को मिलना चाहिए। तो इसलिए खरीदारी का एक और भी रीजन ये हो सकता है कि आपको वीक मार्केट में अगर आप लेते हैं तो जब भी टर्न अराउंड होता है सेंटीमेंट, तो यहाँ से आप मान सकते हैं कि बहुत ही तेजी से रॉकेट की तरह मार्केट ऊपर चलेगा। अब कब चलेगा ये मैं नहीं कह सकता, पर ये डेफिनेटली डेफिनेट है कि जब भी रिस्क ऑन ट्रेड आएगा तो इंडिया विल बी वन ऑफ द फेवरेट मार्केट, एंड जो तेजी आएगी वो भी इससे भी ज्यादा लाजवाब तेजी आएगी, और वो देखने वाली तेजी होगी। वो कब आएगी कहना मुश्किल है। तो अगर आपके पास फंड्स हैं डेफिनेटली इस टाइम आप दिग्गज काउंटर्स लेके आप इन्वेस्ट करके पेशेंटली बैठें। आशीष, क्या जबरदस्त जवाब आपने दिया है। रॉकेट की तरह तेजी आएगी और कब आएगी ये नहीं, बट आपको कॉन्फिडेंस है कि वो तेजी जरूर आएगी। मैं आपको IRCTC आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आप दिल्ली में बैठे हैं, ये माहौल है ड्राइव करके, या तो आप शिमला और हिमाचल के चक्कर लग रहे हैं, हमारे तो बहुत सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं, तो IRCTC भी ऐसे ही कुछ प्लान बना रहा है नए। मैं एक स्टोरी सुनवाता हूँ आपको, फिर आप मुझे बताइएगा। समीर दीक्षित आए ये स्टोरी लेके। समीर बताइए। IRCTC की रमाणा एक्सप्रेस ट्रेन को लगातार सफलता मिल रही है, और जिस तरह से IRCTC को इस रमाणा एक्सप्रेस ट्रेन के लिए तमाम NRI से, विदेश से जो क्वेरीज आ रही हैं, जो दिलचस्पी जताई जा रही है, उसमें सूत्र अब ये बता रहे हैं कि IRCTC बहुत जल्द NRI बुकिंग्स के लिए, विदेश से जो क्वेरीज आ रही है उस बुकिंग के लिए एक स्पेशल रमाणा एक्सप्रेस ट्रेन चला सकती है, जो कि सिर्फ उन्हीं NRIs के लिए या फॉरेन बुकिंग्स के लिए होंगी। ये जो विशेष रमाणा एक्सप्रेस ट्रेन होगी, इसमें किराया मौजूदा जो रमाणा एक्सप्रेस ट्रेन है जो भारत गौरव प्रोजेक्ट के तहत चलाई जा रही है, इससे किराया उसका ज़्यादा होगा, हालांकि उसमें सुविधाएँ भी कुछ अतिरिक्त या ज़्यादा दी जाएंगी। यही नहीं, जो रमाणा एक्सप्रेस ट्रेन का जो दूसरा चरण हो सकता है या सेकंड फेज हो सकता है, तो सूत्रों के मुताबिक उसमें IRCTC इंडिया और श्रीलंका के को लेकर के पैकेज की घोषणा कर सकती है। जो पहली ट्रेन रमाणा एक्सप्रेस ट्रेन है जो 21 जून को चलने जा रही है, वो इंडिया और नेपाल के बीच उसका टूर पैकेज बनाया गया है, लेकिन जो दूसरा चरण होगा उसमें इंडिया और श्रीलंका को शामिल किया जा सकता है। इसी के साथ ही IRCTC को जो रिलीजियस सर्किट या रिलीजियस थीम बेस्ड ट्रेन में जो सफल
दिख रही है, माना ही जा रहा है और IRCTC के सूत्रों के मुताबिक आने वाले महीनों में IRCTC कुछ और जैसे जैन या सिख स्पेशल ट्रेन जैसी ट्रेनों की घोषणा कर सकती है और इन तमाम ट्रेनों के जरिए IRCTC को उम्मीद है कि ना सिर्फ ये जो भक्त हैं जो डिवोटीज हैं उनके लिए एक अच्छा एक सुविधा दे पाएगी बल्कि IRCTC के लिए आने वाले वक्त में अच्छी खासी रेवेन्यू भी वो मुहैया करा पाएगी। शीश रामायणा एक्सप्रेस की तैयारी हो रही है, IRCTC इंडिया और नेपाल के बीच में रामायणा एक्सप्रेस चलाएगी, आप ये स्टॉक को देखते हैं, आप जाना चाहेंगे इसके अंदर लग्जरी रामायणा एक्सप्रेस में? देखिए मेरे मुताबिक आइडियाज बहुत अच्छी हैं क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज्म वैसे भी काफी बढ़ रहा है, कोविड एक पॉजिटिव ये हुआ है कि काफी लोगों ने इंडिया को डिस्कवर किया है और क्योंकि विदेश जा नहीं सकते थे तो काफी इंडिया में ट्रेवल रहा है और काफी डेस्टिनेशन वेडिंग्स हुई, डेस्टिनेशन पार्टीज हुई और एक तरह से रिलीजियस टूरिज्म भी वापस एक तरह से रिवाइव हुआ है और बहुत रिवाइव हुआ है। मेरा मानना ये भी है कि अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, आप कहीं भी जाए तो रोड्स बहुत अच्छी हो गई हैं और रोड्स बहुत ही ज्यादा डेवलप हो रही हैं, कई एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं और बहुत ही ज्यादा हलचल है रोड्स से। रेलवेज में सेलेक्टिवली लैग किया है पर मेरा मानना है कि यहाँ से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से नई रेल्स अनाउंस हो रही है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम कमाल की डेवलपमेंट देखेंगे तो वो एक बहुत एक अगेन थोड़ा लंबा इमीडिएटली उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता पर एक लंबी अवधि की अगर बात की जाए तो IRCTC का उसका बहुत बेनिफिट होना चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज्म अगर इतना बढ़ता है और अगर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जिस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी लाइन्स पे अगर डेवलप हो तो IRCTC रेलवे में जो ट्रेवल की वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है यहाँ से और पैसेंजर और कार्गो दोनों में बहुत स्कोप है तो मेरे मुताबिक IRCTC का भी यहाँ से अगर आप लेते हैं लंबी अवधि क्योंकि स्टॉक करेक्ट भी कर गया अच्छी तरह से और इतना से जो फ्रॉड था जो पहले आया हुआ था इसमें वो भी निकल गया है तो मेरे मुताबिक IRCTC भी आपका एक अच्छा निवेश का विकल्प है जो कि आप वो फॉल में ले सकते हैं विद अ व्यू कि कहीं ना कहीं जाकर डोमेस्टिक टूरिज्म का बेनिफिट रेलवे को भी मिलेगा और उसका फिर इमीडिएट इंपैक्ट IRCTC के अर्निंग्स पे आता है। आशीष फ्रॉड की बात करें तो वेदांता पे क्या व्यू बन रहा है, अपने टॉप से 50% डाउन है, 15% आज ही है और एक तरफ क्रूड खराब हो रहा है जो KN के थ्रू इनके पास है, कॉपर ऑलरेडी एक साल के लोएस्ट लेवल पे है, इसको इससे दूर रहना चाहिए इस तरह के प्लेस से, वो सुपर साइकिल जो है कमोडिटी का ओवर हो गया है या इनफैक्ट अभी टूटीकोरिन को भी बेचने की बात आई है आज ऐड डाला उन्होंने ET में? देखिए मेरा क्लियर व्यू है कि जो भी सेक्टर्स जिनपे अंतरराष्ट्रीय मार्केट का इम्पैक्ट है उनको भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मेरा मानना ये है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में तो इतना खतरा नहीं है पर ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटीज और भी ज्यादा है, अनसर्टेनिटीज भी है और ये भी खतरा है कि जिस तरह से वॉर है अगर ये वॉर नहीं सॉल्व हुई अगले कुछ महीनों में तो बहुत ज्यादा हलचल उथल पुथल हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स में। तो जो भी सेक्टर्स हैं जैसे वेदांता है या जो भी आपकी मेटल्स के सेक्टर्स हैं या जो और कमोडिटीज हैं जिनका कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से लिंक बहुत है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ही ज्यादा ट्रेड होता है या ज्यादा एक्सपोर्ट होता है या उनकी प्राइसेस ही डिक्टेट करती हैं कि इंडिया में क्या प्राइसेस रहेंगी तो उनसे मेरे मुताबिक दूर रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत मुश्किल है किसी को भी अनुमान लगाना कि कहाँ जाकर ये पूरा साइकिल बॉटम करेगा और कितना और पेन है इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है और मेरे मुताबिक इन सेक्टर्स को अभी भी अवॉइड करना चाहिए। राइट, तो इन स्पेसेस को अभी भी अवॉइड की सलाह इतने बीटन डाउन होने के बाद भी आशीष कपूर की राय रहेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आज समय देने के लिए और इन सारे मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक बार रुक करते हैं मार्केट्स पर, अब देख लेते हैं कि हमारे टेक्निकल एनालिस्ट क्या राय बना रहे हैं, उन्हें किस तरह से आप बाजार में